हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। क्या आप लॉन्ग स्टडी सेशन से ओवरबर्डन फील कर रहे हैं? आप और सब फोकस करने में स्ट्रगल करते हैं? क्या होगा अगर एक सिंपल मेथड हो जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दे और लर्निंग को ज़्यादा इफेक्टिव बनाए? वेलकम टू दी पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक को 1980s में फ्रांसिस्को सिरिलो ने डेवलप किया था, जब वो अपनी यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ में फोकस करने में स्ट्रगल कर रहे थे। तब उन्होंने एक सिंपल किचन टाइमर यूज़ किया जो टमेटो शेप का था। इटालियन में इसको पोमोडोरो कहते हैं और ऐसे पोमोडोरो टेक्निक का जन्म हुआ। पोमोडोरो टेक्निक को अपने डेली स्टडी रूटीन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो? पहला, 25 मिनट के लिए टाइमर सेट करें। ये आपका फोकस्ड वर्क पीरियड होगा। इन 25 मिनट में कोई एक टास्क चूज करें, चाहे वो एक चैप्टर पढ़ना हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो या नोट्स रिव्यू करने हो, और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करें। दूसरा, 5 मिनट का ब्रेक लें। जब टाइमर ऑफ हो जाए तो एक शॉर्ट ब्रेक लें, स्ट्रेच करें, स्नैक लें या अपना माइंड क्लियर करें। तीसरा, 4 पोमोडोरोस के बाद एक लॉन्ग ब्रेक लें। 4-25 मिनट सेशंस के बाद एक लॉन्ग ब्रेक लें जो 15-30 मिनट का हो, ताकि आप प्रॉपरली रिचार्ज हो सके। तो पोमोडोरो टेक्निक इतनी पावरफुल क्यों है, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए? पहला, फोकस बढ़ाता है और प्रोक्रास्टिनेशन कम करता है। शॉर्ट इंटर्न बर्स्ट में काम करके आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हो और फोकस मेंटेन करते हैं। टाइमर का टिक आपको टास्क पे स्टे करने के लिए साइकोलॉजिकल ट्रिगर बनाता है। दूसरा, बर्नआउट को प्रिवेंट करता है। लंबी स्टडी आवर्स बर्नआउट लीड कर सकती है, स्पेशली मेडिसिन जैसे डिमांडिंग फील्ड में। रेगुलर ब्रेक्स आपकी ब्रेन को रिचार्ज करने में हेल्प करते हैं। तीसरा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। टास्क को छोटे चंक्स में तोड़कर आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर पाते हैं, जो लंबी स्टडी सेशंस को मैनेजेबल बनाता है। चौथा, अकम्प्लिशमेंट का सेंस देता है। हर पोमोडोरो कंप्लीट करने के बाद आपको एक सेंस ऑफ प्रोग्रेस फील होती है, जो आपको मोटिवेटेड रखती है। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी चीज़ है। इन्फॉर्मेशन की वॉल्यूम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पोमोडोरो टेक्निक आपको ऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टिव रखती है। पहली, एफिशिएंट स्टडी सेशन। आवर्स तक क्रैम करने की जगह पोमोडोरो टेक्निक इंश्योर करती है कि आप शॉर्ट बर्स्ट में इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली एब्जॉर्ब करें। दूसरी, स्टडी स्ट्रेस को कम करती है। रेगुलर ब्रेक स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं और एग्जाम प्रेप के टाइम मेंटल क्लियरिटी मेंटेन रखते हैं। तीसरी, बेटर रिटेंशन। ब्रेन छोटे कंसिस्टेंट इंटरवल्स में इंफॉर्मेशन को बेटर रिटेन करता है। ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक जैसे कि एनाटमी, फार्माकोलॉजी और फिजियोलॉजी को याद रखने में आसान बनाता है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कुछ हाईली सक्सेसफुल लोग भी यूज करते हैं पोमोडोरो टेक्निक को। क्रिस विनफील्ड एक प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट और कोच हैं, पोमोडोरो टेक्निक को यूज करते हैं ताकि अपने क्लाइंट्स को पीक परफॉर्मेंस तक ले जा सकें। नेथन रिकार्चिक, कोफाउंडर ऑफ एयरबीएनबी, पोमोडोरो टेक्निक को यूज करते हैं अपने वर्कलोड को बैलेंस करने के लिए, जब उन्होंने दुनिया का एक बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया। जॉन ग्रिशम, जो फेमस ऑथर हैं, पोमोडोरो जैसी टाइम लॉकिंग टेक्निक को यूज करते हैं ताकि वो अपनी बेस्ट सेलिंग नॉवल्स लिख सकें फोकस और डिसिप्लिन के साथ। तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? बहुत सिंपल है ये। एक टाइमर ले आए, आपको किसी फैंसी ऐप की जरूरत नहीं है। एक सिंपल टाइमर चलेगा, चाहे फोन भी हो या एक किचन टाइमर जैसे सिरिलो का था। अगला, एक टॉपिक या टास्क चूज करें जो आपकी अटेंशन डिमांड करता हो, चाहे वो पैथोलॉजी रिवाइज करना या पेपर लिखना हो या वाइवा की प्रिपरेशन करना हो। पोमोडोरो टेक्निक तभी बेस्ट काम करती है जब आप इसे रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं। इसको अपनी डेली रूटीन में शामिल करें ताकि आपकी स्टडी ज़्यादा एफिशिएंट हो। पोमोडोरो टेक्निक एक सिंपल और इफेक्टिव वे है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का और फोकस इंप्रूव करने का। आज ही ट्राई करें और देखें कैसे ये आपकी स्टडी सेशंस को ट्रांसफॉर्म करता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।